मिर्जापुर जिले के ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के संबोधन में ग्राम प्रधानों की समस्याओं के निराकरण के लिए 7 सूत्री ज्ञापन दिया गया, जिसमें ग्राम पंचायतों के ग्राम समाज हरिजन आबादी चक्रोड खलिहान के अवैध कब्जे को लेखपाल के द्वारा चिन्हित करके उससे तत्काल अवैध कब्जा मुक्त कराया जाए। इसे ग्राम प्रधान ग्राम पंचायतों को उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप विकास कार्य को गति मिले, इन्हीं समस्याओं को लेकर 7 सूत्री ज्ञापन सौंपा। अपना परिचय बताओ। रामदेव सरोज, प्रधान संघ जिला उपाध्यक्ष। क्या समस्या आपकी? समस्या प्रधानों के बराबर अधिकारों में कटौती किया जा रहा है, और जो हम लोगों को मांग है बराबर हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं पत्रक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसमें आश्वासन तो मिलता है कि सब हो जाएगा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। उसी के संदर्भ में आज हम लोग 7 बिंदु पे हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। बिंदु यह है कि ग्राम समाज में जो आबादी चक्रोट खलिहान है, उसको अवैध रूप से गाँव में दबंग भू माफिया लोग कब्जा कर रहे हैं और उसको खाली नहीं कराया जा रहा है। एक बिंदु। दूसरा का बिंदु, 8 से 10 वर्ष हो गया भूमि प्रबंध समिति का मीटिंग नहीं हो रहा है। बस कर। मिर्जापुर से प्रकाश सिंह की रिपोर्ट, R9 भारत के लिए।